मुठभेड़ हो गई रास्ते में। बहुत, मतलब ये पूरा ऐसे दर्द हो रहा है सारा, यहाँ ये ऐसे पूरा दर्द हो रहा है। बीवी कहते चलो मैं बना देती हूँ, मैंने तुम्हारी हालत करी है तुम्हारी गर्दन दबा के। पापा क्या है ओले दे दे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। काशु यहाँ पे दूध पी रही है और और मेरी गर्दन मेरी बीवी ने रात में तोड़ दी, क्योंकि मेरी गर्दन में दर्द हो रहा था तो मैंने कहा दबा दे, इसने इतनी तेज की दवाई दी, आज पूरा दिन दर्द हो रहा है। और यहाँ पे देखो मेरे को कोई बाहर लड़की ना देखे थे इसलिए इसने मेरे यहाँ दाना भी करवा दिया है। दोनों सास बहू बात कर रहे हैं कि ऐसे सोच रहे होगी कि मैं ही करती हूँ, तू ही करती है। एक मेरी आँख के नीचे दाना, इसने नाखून मारा, एक्चुअली आपको दाना लग रहा होगा पर ये नाखून लगा हुआ है। इसने नोचा। जो मैंने कल बताया था ना कि मैं जा रहा था गर्लफ्रेंड से मिलने, ये मिल गई थी रास्ते में, वहीं पे हमारे बीच में मुठभेड़ हुई है हमारी मुठभेड़ हो गई रास्ते में और इसने मेरा नाखून मार दिया कह रही तुम्हारी सजा है। और मेरा बेटा भी मेरे साथ नहीं दे रहा क्योंकि मेरा बेटा अपनी माँ का सगा हो रहा है। चुनो आप किसके बेटे हो, किसके बच्चे हो आप, किसका है? पापा का है, ये बोलता ही है बस, वैसे नहीं है ये। गाइस ऑफिस चलता हूँ, फिर मिलता हूँ। भाई माँ आज मैं तो समझ नहीं आ रहा मैं इसको बोलूँ दबाने को या नहीं बोलूँ। अशु आप दबा देना, इसे सब पता है कैसे खाना है। क्या कर रहे हो ये? दो पापा को दो, पापा खाएंगे। मैं खा लूं? नहीं मैं खा लूं। मैं खा रहा हूँ। मैं क्या करूँ इसका? आ मैं खाऊंगा। मैं खा रहा हूँ। दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, रोना नहीं, दे रहा हूँ, काट छिल के दे रहा हूँ, गुस्सा नहीं करते। ये ले पिट्टी कर दूँ। सो गाइज मैं अभी घर आ गया हूँ और मेरे सर में हो रहा है बहुत ज़बरदस्त, जो कल नस मेरी वाइफ ने जो दबाया ना सर, उससे मेरे ख्याल से स्वेलिंग आई है इसमें, और इसमें ना पूरे ऐसे लाइन से ना, और यहाँ पे पूरा दर्द हो रहा है बहुत तेज। तो क्या मेरे काशु मेरे सर दबा रहा है, देखो कितना प्यारा है मेरा, बहुत प्यारा बेटा है ये, बहुत प्यारा है ये, बहुत पाला लगता है। आ जाओ सर दबाएगा पापा का, आ जा आ मेरे बाबू सर दबा दो। सो गाइज मैंने अभी अपने एक मेरे ब्रदर हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो मैंने उनसे बात करी थी, मैंने कहा इसके लिए सर का ऐसे ऐसे जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि गर्म पानी की बोतल से सिकाई करो, तो अभी वो कर रहा हूँ, एक पानी की बोतल को गर्म कर रहा हूँ और इसको लगा के देखता हूँ भैया थोड़ा सा राहत आती है नहीं आती। लाल हो गया है स्टार्ट, बहुत मतलब ये पूरा ऐसे दर्द हो रहा है सारा, यहाँ ये ऐसे पूरा दर्द हो रहा है। पीछे मैंने ये गर्म पानी की बोतल लगा रखी है और मैं लेटा हूँ थोड़ी देर, और सच में बताऊँ अभी मैं 5 मिनट भी नहीं होंगे और मुझे सच में अभी भी आराम मिल रहा है, तो थोड़ी देर मैं लेट के कर लेता हूँ उसको थोड़ी देर, और मतलब 15 मिनट बोला करने के लिए, 15 मिनट बाद मिलता हूँ आप लोगों से। भाई सर दर्द तो अभी भी है यहाँ पे, इन दोनों जगहों पे है, तो मैंने बाम लगाया है, बाम की वजह से देखो आँखों में भी आंसू आने लग गए। बाम की ना हीट से हो रहा होगा तो आंसू आ रहे हैं, और सर दर्द हो रहा है यहाँ पे, इन दोनों जगह पे हो रहा है। पीछे अब गर्दन में मैंने गर्म पानी लगाया तो वो पीछे तो नहीं हो रहा, और यहाँ यहाँ पे हो रहा है तो पता नहीं किस लिए हो रहा है। और सर बड़ा मन कर रहा है सो जाओ, बस नींद आ रही है, खाना भी नहीं खाया मैंने अभी तक, अभी टाइम हो रहा है 8 ही बज रहे वैसे तो, बट लेकिन मैं खा लेता हूँ, अब तक खाया नहीं, आज जिम भी नहीं गया, एक्सरसाइज भी करी, क्योंकि मेरे को जो मेरा भाई है फिजियोथेरेपिस्ट उसने बोला कि आज अब तक 1-2 दिन एक्सरसाइज जो है उसको अवॉइड करना, तो अवॉइड ही करूँगा अभी 2-4 दिन। तुम्हारा भाई ना अभी खा रहा है हलवा, यह है आटे का हलवा, इसमें घी देख रहे हो तैर रहा है, और अभी बनवाया क्योंकि मेरा बिल्कुल भी रोटी खाने का मन नहीं था, और मेरे को ना फीवर भी आ गया है, मतलब दर्द से आ जाता होगा फीवर, पता नहीं घर वाले कह रहे हैं, और मैं बुड्ढे की तरह बैठा हूँ और अपना शक्ल नहीं दिखा सकता, दिखा दूँ? चलो दिखाई देता हूँ, लग रहा हो ना मजदूर। क्या हो रहा है यार, मैं जब भी जिम जाता हूँ ना मेरी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है ना, मुझे नज़र लग जाती है यार गाइस, ना हैंडसम ब्यूटीफुल भी तो हूँ मैं, जब भी मैं कोशिश करता हूँ ना कि मैं एक्सरसाइज करके अब मैं बॉडी बना लूँगा, मतलब 2012-13 के बाद से जब भी ऐसी कोशिश करता हूँ मैं बॉडी बना लूँगा, मेरे साथ दिक्कत हो जाती है यार। गाइस बताओ क्या करूँ यार, कोई काला धागा वागा बनवा दो यार मेरे लिए। सर ये इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि मैंने बाम लगाया है, और वो बाम ना मेरे को
इसलिए बांधा हुआ, मतलब बाम लगा के फिर बांधा हुआ, और वो पूरा जलन सा कर रहा है यहाँ पूरे इसमें। बट लेकिन एक बात है, सर दर्द चला गया मेरा, अब मेरे को सर दर्द नहीं हो रहा, जलन हो रही है बाम से। और भूख लग रही थी लेकिन रोटी खाने का मन नहीं कर रहा था, और मेरा मन कर रहा था हलवा खाने का, वो भी घी में तैरता हुआ आटे का। तो किसी बड़े महान आदमी ने कहा है, मैंने ही कहा होगा कभी, कि जो चीज़ मन करे ना वो कर लेनी चाहिए, मतलब उल्टे काम नहीं करने चाहिए। मतलब जैसे खाने का मन करे तो खा लेना चाहिए, प्यास लगे तो पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उसकी। तो ऐसे ही मेरा आटे का हलवा खाने का मन करा, मैंने खुद ही बनाऊंगा। फिर मेरी बीवी कहती चलो मैं बना देती हूँ, मैंने तुम्हारी हालत करी है तुम्हारी गर्दन दबा के, तो मैं बना देती। तो फिर उसने बना दिया, खा रहा हूँ, मस्त हो रहा है। फिर उसे ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। गाइज अभी देखो गाइज, काशु मेरे को छोड़ के चला गया था, देखो आई हो रही है ना, मेरे को छोड़ के चला गया था। तो पापा को आई हो रही है, आपने डॉक्टर से बात करी? डॉक्टर से बात करो, ये लो जरा फोन, इससे डॉक्टर से बात करो। अच्छा अपना लाएगी, अपना फोन लेने गई, अपने फोन से करेगी गाइस, दूसरे का फोन यूज नहीं करती है ये। इधर आके करो, इधर आके करो, इधर आके यहाँ पे आके बात करो, यहाँ पे आके करो, आप करो, आप करो, आप करो, आप करो, हाँ जल्दी से आना। डॉक्टर को बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, पापा क्या हो रही है? पापा क्या हो रही है? दे दीजिए आने तो डॉक्टर जल्दी से आना, पापा क्या हो रही है? मेरे को दे दो, दे पापा को, दे पापा ऐसे खाएगा। अभी 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 दो, लाओ मेरे पास, लाओ यार। ओ यार की औलाद, इधर लाओ फटाफट, इधर मैं आऊँ आपके पास? नो, इधर आ जाओ फिर, दे दो। ये क्या खराब कर रहे हो आप, इधर इधर पापा को खिला दे, पापा खिला दे। अच्छा पापा को खिला दे, अपने आप पे खिला दे, तो इधर खिलाओ फिर। हाँ। खराब क्यों कर रहे हो आप उसको? ओके, इधर, इधर, ओके बच्चे, इधर आऊँ, उधर तो इधर दो फिर। ओके, अभी रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ, दे दो बेटा पापा को, दे दो ना, ये पापा का मिर्ची लग ली, जल्दी दो मिर्ची लग गए, हाँ जल्दी दे, जल्दी दे, स्ट्रॉबेरी दे, मेरे को मिर्ची लग रही है, जल्दी आ, जल्दी मिर्ची लग रही है, ये वाली दे दो। ओह माय गॉड, थैंक यू, क्या किया हुआ इसने, भागो यहाँ से, चलो बाबू को पारी कर दो, पापा को जो अच्छे पारी कर दो, और पापा को जो झाक भी कर दो। इसको बोतल को यार रखो और जोर से हाथ करके फिर मैं गोदी में उठाऊंगा तेरे को, ये खत्म है, इसमें पानी थोड़ी है। गाइस सो हमारी मस्ती खत्म हो चुकी है और हम सोने नहीं करने जा रहे हैं, अब मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। और सो थैंक्स वॉचिंग दिस ब्लॉग, अगर ये ब्लॉग पसंद आया इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। बाय कर दो गाइस को, आप गाइस को आप कर दो, बाय बाय कर दो, बाय। Hold me close till I get up, gonna raise and on we'll go. देख लो किस पागलपन में मुझे रहना पड़ता है।